हाँ भाई, केस स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं देवता अग्रवाल, कैसा आप सभी लोग? राम राम। और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि आप फर्स्ट टाइम अगर अपना डीएसओ यूज कर रहे हैं तो आपको डीएसओ यूज करने के टाइम पे आपको उसको सेल्फ कैलिब्रेट करना है। मतलब बार बार ऑटो कैलिब्रेट करना है। सेल्फ कैलिब्रेट का कोई मतलब नहीं है, वो तो वन टाइम किया जाता है या महीने में एक बार कर लो, पर ऑटो कैलिब्रेट करना है। और आप ऑटो कैलिब्रेट के लिए आपको सिर्फ अपना प्रोब लेना है, चैनल पर डालना है। जिस चैनल पर डालना है वही चैनल यहाँ पर आपको यहाँ दिखना चाहिए और ये वाली लाइन आपको बीच में आनी चाहिए। इसके लिए आप ये दबाएंगे तो ये लाइन आपको बिल्कुल मिडिल में दिखाई देगी इस तरीके से। और आप चाहें ये देखो, अब ये लाइन अब यहाँ पर ये बिल्कुल बीच में आ गई है, जो कि आप ये कह सकते हैं कि ये प्रॉपर है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपका जो प्रोब है इसको आपको ऊपर वाले फ्रिक्वेंसी जनरेटर में लगाना है। देखिए तो, बट अगर आपका इस तरह की फ्रिक्वेंसी आ रही है तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि इनकेस यहाँ तो हमें पता ही नहीं चल रहा है कब हमारा वो ऑन हो रहा है, कब हमारा बंद हो रहा है। हमको तो लग रहा है ये तो लगाते साथ ही 3 वोल्टेज आ जा रहे हैं। तो हम कैसे चेक करें, ऑटो का बटन दबा दें। आप बिल्कुल ऑटो का बटन तब काम करता है जब आपके वोल्टेज स्टेबल हो। अभी आपके वोल्टेज स्टेबल ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपके वोल्टेज घट रहे हैं, भर रहे हैं, वेरिएबल या कोई भी तरह के हो रहे हैं, तो तब हम क्या करेंगे, मैन्युअली यूज करेंगे। देखिए तो आप यहाँ पर देखिए, तो मैनुअली देखो, जैसे ही मैनुअली मैंने वोल्टेज का यूज किया, यहां पर आप देख सकते हैं ये आपको फ्रिक्वेंसी दिखने लग गई। ठीक, देखो और दिखाता हूं, ये देखिए। तो हमें ये पता चल गया मैनुअली से, सो मैनुअली करना पड़ता है। अब ये देखिए और दिखाते हैं, ये देखो। अब हमारे को इसको सरकाना है इधर, क्योंकि यहां हमारी ये फ्रिक्वेंसी यहां दिख रही है तो हम इसको सरकाएंगे। ये देखिए यहां पर, ये देखो, तो ये हमें बता रहा है कि 5 माइक्रो सेकेंड ये टाइम ले रहा है ये ऊपर चालू होने में। मतलब ये सडनली ऐसा नहीं कि मैंने लगाया और चालू हो गया, मतलब लगाने के भी 5 माइक्रो सेकेंड के बाद तब जाके ये आपको इस तरह से ऊपर दिखाई दे रहा है। ये देखिए, आपको तो आप लोगों को तो लग रहा होगा कि लगाया और ये फॉर्म आ गया, पर ऐसा नहीं है। जैसे ही लगाया, ये देखिए धीरे धीरे ये राइज हो रहा है। देखिए धीरे धीरे राइज हो रहा है और अपने पीक तक आने पर ये कम से कम 5 से 10 सेकंड के बीच में ये ले रहा है। तो ये इसका राइज टाइम है, आप इसका इसको एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं। और यही चीज थोड़ा और इसको सरकाएंगे और ये इसका ड्यूटी साइकिल है। यहां पर इसका फॉल टाइम भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये देखिए, ये इसका राइज टाइम है और ये इसका यहां पर फॉल टाइम है। ये देखिए, तो इस तरीके से इसको हम मैनुअल वर्सेस ऑटो बोलते हैं। तो ऑटो हमें इस तरह से हमें सेट करना पड़ता है, हमें हमारे माइक्रो सेकेंड के हिसाब से इसको चेक करना है कि बेसिकली हमारे कितने माइक्रो सेकेंड पे ये क्या दिखा रहा है हमको, तो हमें पता चलता है कि फ्रिक्वेंसी किस तरह से यहाँ पर दिख रही है। बाकी हमें समझना यहाँ पर है कि यहाँ पर किस तरह से अभी आएगा, तो इस वीडियो में बताऊंगा। बाकी मैं अगला आपको इसके बाद के छोटे छोटे वीडियो में बताऊंगा। बाकी आपको पूरा कोर्स करना है तो नीचे लिंक दी है। और ज़्यादा अच्छा ये है कि डीएसओ का कोर्स लेने से अच्छा आईफोन का पूरा कोर्स लो, और क्योंकि डीएसओ का कोर्स मैंने 3,000 साढ़े 3,000 में रखा है, आईफोन का कोर्स पूरा 7,000 में रखा है। उसके अंदर 6 से लेकर 12 प्रो तक आईफोन का पूरा सब्जेक्ट भी मिल जाएगा, जिसके अंदर 450 वीडियो है आईसी निकालने के साथ में, पूरा आईसी के सब सप्लाई लाइन प्लस डीएसओ, वो भी दोनों डीएसओ का आपको यहाँ पर ज्ञान मिल जाएगा। ठीक है, नीचे लिंक दी है और लिंक का फायदा उठाओ। अब कैसा है, उसमें 20% डिस्काउंट भी है, दिवाली कोड है, ठीक है, कैपिटल लेटर। अब ध्यान देना, अब जैसे मुझे यहाँ पर पैरामीटर डालना है तो मैं यहाँ पर सबसे पहले पीरियड दबा दूँ, तो यहाँ पर देखो पीरियड शो हो रहा है ना, तो इस पीरियड को मैंने यहाँ पर दबा देना है। तो जैसे दबा देना तो यहाँ पर पीरियड शो हो गया। अब यहाँ पर आप, अब यहाँ से मैं पीरियड को चेक कर सकता हूँ कि मेरा क्या पीरियड आ रहा है। अब जैसे ये पीरियड हो गया, ये फ्रिक्वेंसी हो गई, देखो पीरियड यहाँ पर आ रहा है कि ये 1 यहाँ पर मिली सेकेंड में दिखा रहा है, 1000 मिली सेकेंड 1.000 मिली सेकेंड दिखा रहा है, और फ्रिक्वेंसी जो है 1 किलोहर्ट्ज की दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वोल्टेज भी ले सकता हूँ, तो वोल्टेज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको मेन्यू दबाऊंगा तो ये वर्टिकल में आ जाएगा। तो अभी कैसा था, तो
तो अभी कैसा था, ये फ्रिक्वेंसी में था, अब ये वोल्टेज में आ गया है, और वी मैक्स को दबाऊंगा ना तो यहाँ पर मेरे को वोल्टेज आ जाएगा, कि ये मुझे बताएगा कि कितना मैक्सिमम वोल्टेज है, वी मिनिमम, इस तरह के मैं अपने वोल्टेज को भी यहाँ पे ले सकता हूँ। ठीक है, तो नोटिस कीजिए, तो हम ये चीज ऑटो करके भी कर सकते हैं और यही चीज हम मैनुअली करके भी हम कर सकते हैं। सो हमें पता चल जाता है कि ये किस तरीके से हमें मिलने वाला है। ये देखिए, अभी मैं आपको इसके अंदर बहुत सारी चीजें और बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, ये सारे पैरामीटर्स का क्या मतलब होता है, धीरे धीरे यहाँ पे फंक्शन कैसे हम लाएंगे, एक फ्रिक्वेंसी काउंटर आता है वो हम कैसे ला सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर है ना, इसकी ब्राइटनेस को कम ज्यादा करने के लिए आपने है ना ये यूज करना है सिर्फ, तो ये अप डाउन करने से ना इसकी ब्राइटनेस कम ज्यादा हो जाती है, देख रहे हैं आपको। बाकी यार बॉस, इसका बहुत अच्छा काम है, इससे आप अपनी आईसीयू की स्विचिंग चेक कर सकते हैं, बहुत सी सारी चीजें चेक कर सकते हैं जो कि आपको धीरे धीरे सीखनी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। आप आईफोन की बेसिक से एडवांस लेवल की ट्रेनिंग, जहां आपको आईफोन 6 से 11 प्रो मैक्स तक कंप्लीट सेक्शन वाइज ट्रेनिंग, जिसमें 14 प्रो मैक्स तक नैंड प्रोग्रामिंग और डीएसओ रिगोल प्लस यूटीडी के साथ सीपीयू रैम आईसी का सेफ मोड पर चाइनीज टेक्निक बताई गई है। यह कोर्स सिर्फ 7999 में 2 साल की वैलिडिटी के साथ आपके पीसी और मोबाइल दोनों पर चलेगा।